हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, VVI क्वेश्चन जो हम लोग सीरीज कर रहे थे टॉपिक वाइज GK का, जो आपको 30 प्रश्न आने वाले झारखंड सचिवालय परीक्षा में, वो टॉपिक वाइज हम करवा रखे हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री दे चुके हैं, फिजिक्स दे रहे हैं, अभी पूरा निचोड़ फिजिक्स NCERT का, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, सब आपको दे चुके हैं। इकोनॉमिक्स का भी दे चुके हैं आपको, एक एक चीज़ दे चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के रिलेटेड। आपको पता ही होगा दोस्तों, अभी हाल ही में JPSC बैकलॉग का एग्जाम होता, आपको कल वीडियो डाले थे, एक देखेंगे क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हो बहुत क्वेश्चन वहीं से उठ के आ गया, 20 में से 9 क्वेश्चन वहीं से उठ के आ गया, ठीक है। उसी तरह NDA का भी एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, आप देखेंगे वहाँ से भी क्वेश्चन हो बहुत सेम उठ के आया हुआ था। तो कहने का मतलब, जो चीज़ दे रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड है, एक बार अच्छा से इस PDF को पढ़ लीजिए, कोई भी एग्जाम को तैयारी कीजिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम बैठिए, आराम से स्कोर कर जाइए। चलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि तो पढ़ा हुआ तो आप लोग है ही है। चलिए क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, इसे यूनिट पूछ देगा आपको NCERT का है, ठीक है दोस्तों। देखिए विस्कोसिटी, जिसको श्यानता बोलते हैं, पास्कल सेकंड बोलते हैं, इंडक्टेंस अधिष्ठापन, ठीक है, इसको हेनरी बोलते हैं। इंडक्टेंस का सीधा पूछा यूनिट बताइए तो हेनरी बोलते हैं, ठीक है। लाउडनेस प्रबलता, जिसको यूनिट बताइए क्या होगा, फोन, PHON किसका यूनिट है, क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बना हुआ है NDA एग्जाम में, ठीक है। और ये JPSC एग्जाम में बना हुआ है, PHON बोलेगा किसका यूनिट है, तो फोन आप समझिएगा पता नहीं बात करने वाला है क्या, नहीं, ये लाउडनेस का यूनिट है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब टेस्ला, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब वेबर, तो ये चारों पाँच जो है आपको याद कर लेने बढ़िया से, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहीं से। चलिए एग्जाम्पल और स्केलर क्वांटिटी, अदिश मात्रा और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता ही होगा, मैग्नीट्यूड जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर बोलते हैं, ये पता, डिफिनेशन पता होगा आपको, ठीक है, इतना पढ़ तैयारी करें, डिफिनेशन पता है। एग्जाम्पल पूछ देता है, तो आपको एग्जाम्पल पता है, डिस्प्लेसमेंट देखिए और डिफ्लेसिटी देखिए, ठीक है। उसी तरह देखिए, देखिए स्पीड, देखिए क्वेश्चन याद पूछते हैं, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो देख लीजिएगा एक बार। चलिए एक बार यूनिट से देखिए, इस बार एक क्वेश्चन सीजीएल में यूनिट से क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। माइक्रो 10^-6 है, पूरा लिख दिए, ठीक है। मिली 10^-3 है, नैनो 10^-9, पिल्लो वाला क्वेश्चन आ सकता है, 10^-12, फेमोर याद कर लीजिएगा 10^-15, ऑटो बोलो 10^-18, तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह इधर से किलो में 10^3, मेगा 10^6, जीजा 10^9, और टेरा 10^12 था, तो टेरा जो बोलेगा 10^12, और फिल्लो बोलेगा 10^-12, ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ सबका, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछेगा अभी आगे, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन से टाइम निकालना है, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम परास जिसे रेंज बोलते हैं, तो ये चाहिए फॉर्मूला याद रखिए, 2u sin θ/g, ठीक है। हाइट u² sin²θ/2g, और रेंज u² sin²θ, रखें यहाँ, यहाँ u² sin²θ/2g ये हाइट है, रेंज में क्या होगा, u² sin²θ/g, तो ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिएगा जो कि NCERT बुक में दिया हुआ है आपको। एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, आपको तो डिफिनेशन पता होगा क्या बोलना चाहता है, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, रॉकेट का मोशन, स्विमिंग, ये सब क्या न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए अभी केंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपेटल का बात कर रहा है, जो फोर्स अंदर की ओर लगता है, पता होना चाहिए, इसे सर्कल में मूव कर रहा है, जो फोर्स अंदर लग रहा है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आप पूछते हैं MV²/R, ठीक है, सिंपल दे देगा, ठीक है, उसको बोलेगा सेंट्रीपेटल फोर्स आपको मास दे देगा, ठीक है, मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, आर दे देगा, बोलेगा बताइए सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था NDA एग्जाम, ये वाला देखिए सबसे ज़्यादा किसका, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये आपको JPSC एग्जाम में भी आ चुका है। एनर्जी क्या, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर पता चल चुका है, इसका जूल इसका एनर्जी है, और इसका CGS यूनिट पूछ देगा, बताइए एनर्जी का CGS यूनिट क्या बोलते हैं, आर्ग बोलते हैं, ERG पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ MV², ये याद रखिएगा, ठीक, काइनेटिक एनर्जी ये याद रखिएगा, मोमेंटम का स्क्वायर / 2m, ये रिजल्ट आया हुआ है आपको एग्जाम में, ठीक है, JSSC पूछा हुआ है इस पॉइंट को, दरोगा एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसको वाट इसको यूनिट बोलते हैं, जूल पर सेकंड को बोलते हैं पावर, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, पावर ही बोलते हैं। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 776 वाट होता है, ये क्वेश्चन बन चुका है आपका। और पावर कैसा है, स्केलर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं, जी
कैपिटल एम स्मॉल एम अपने आर स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन न्यूमेरिकल देने वाले पूछेगा, जी का वैल्यू पूछेगा आपके एग्जाम में, जी का वैल्यू पूछा हुआ है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, ठीक है। यूनिट यूनिट पूछेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, तो यूनिट याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा, जी का वैल्यू याद कर लीजिएगा। ये होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी से रिलेटेड क्या है, देखिए क्या है? जी मास, देखिए जी होगा जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ एम ई अपन रेडियस ऑफ अर्थ है, एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ है। देखिए मास ऑफ अर्थ है, यह क्वेश्चन पूछेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, मास ऑफ अर्थ है, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए एम ई लिख दिया यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ। पूछ देगा ग्रेविटी जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, तो नहीं करता है, सिर्फ मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है, ठीक है। जी का वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी जो होता है एट द सर्फेस ऑफ द कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा मून पर कितना होता है, इसका 1/6 हो जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जी का वैल्यू मैक्सिमम ध्रुव पोल पे होता है और मिनिमम इक्वेटर पे होता है, भूमध्य जिसको बोलते हैं। चलिए आर्टिफिशियल सेटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक, आर्टिफिशियल सेटेलाइट ऑफ अर्थ इनसेट वन बी, सीधा सीधे पूछ देगा, बताइए इनसेट वन बी क्या है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट ऑफ अर्थ का इनसेट 11B जो भी है, ठीक है। यहाँ दो कंडीशन बनता है, जियो स्टेशनरी होता है और पोलर होता है। तो जियो स्टेशनरी क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात इसमें टाइम पीरियड 24 आवर होता है, ठीक है, इसमें कितना होता है 84 मिनट होता है, इसमें आवर होता है पोलर में 84 मिनट, और जियो स्टेशनरी में क्या होता है 24 आवर। हाइट जो होता है दोस्तों 36,000 किलोमीटर तक है, ठीक है इसका, और इसको पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपको, बताइए बताइए पार्किंग ऑर्बिट इज ऑल्सो नॉलेज, तो जियो स्टेशनरी को बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह पोलर में देख लीजिए वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है, मौसम भविष्यवाणी के लिए पोलर सैटेलाइट यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी प्लायन वेग क्या होता है, सीधा सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डाटा ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये यूनिट याद रखना होगा, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर आवर नहीं पर सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है और फार्मूला देख लीजिए 2gm / r, ये अंडर रूट में है। कोहेसिव फोर्स एकजुट बल और एडहेसिव फोर्स दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। कोहेसिव फोर्स में क्या होता है दोस्तों, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी डिफिनेशन में, तो आपको सेम से याद रखना, सेम बोलेगा सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में बोलेगा तो कोहेसिव, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बोलेगा तो एडहेसिव, चिपकने वाला बल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए 2π / अंडर रूट एल / जी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा बता लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड में क्या होगा, जी घटेगा टाइम पीरियड में क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तभी तो बना पाइएगा ना, 2π / अंडर रूट ऑफ एल / जी। अब फॉर्मूला पता है, दिखा फॉर्मूला पता है आपको, जो पूछेगा एल बढ़ा घटा दो या जी बढ़ा घटा दो आप वहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह के वेव तरंग के बारे में देख लीजिए, दो तरह का होता है, मैकेनिकल वेव होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब आंतरिक तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय। इसमें आंतरिक मैकेनिकल क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें स्टेटमेंट में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, नो मीडियम रिक्वायर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव एग्जांपल पूछ देगा, साउंड वेव को किसका एग्जांपल, तो लॉन्गिट्यूडनल का है, और हीट और लाइट किसका है, ट्रांसवर्स वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसका एग्जांपल है, हीट एंड लाइट, और साउंड किसका है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ट्रांसवर्स पता ही होगा आपको। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, वह स्पीड जो होता है, वेलोसिटी जो होता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ न्यूमेरिकल, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऑडिबल साउंड क्या होता है, जिसका ये भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ चुका है, झारखंड सचिवालय जो हुआ था 28 तारीख को एग्जाम आ चुका है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ऑडिबल साउंड होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे को क्या बोलते हैं, लेस देन 20 हर्ट्ज उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा बोलते हैं, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक होता है। तो एग्जाम्पल पूछते हैं, बताइए जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, विस्फोट होता है, एलिफेंट हो गया, वेल्स हो गया, कौन सा साउंड कवर करता है ये, तो ये इंफ्रासोनिक मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज। और उसी तरह अल्ट्रासोनिक का बैट्स हो गया, डॉग हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये अल्ट्रासोनिक मतलब मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, तो एग्जांपल पूछ देता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देगा आपको, ठीक है। जैसे पिच है, पिच तारा तो जिसको बोलते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, ठीक है, अधिक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं श्रिल साउंड, बोलते हैं तीखी आवाज़ बोलते हैं, क्या बोले, ये NCERT बुक में लिखा हुआ है, हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, इसका मतलब श्रिल साउंड मतलब तीखी आवाज़। उस तरह लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच, इसका मतलब ग्रेव या डोल साउंड मतलब मंद ध्वनि जिसको बोलते हैं। चलिए पिच जो होता है फीमेल वॉइस का, वो मेल वॉइस से ज़्यादा होता है, ये देखिए इस सब क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ देता है, ठीक है।
स्टेटमेंट में जो पिच होता है दोस्तों मेल वॉइस का, फीमेल का सॉरी, मेल से ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए मैक नंबर से क्वेश्चन आ चुका है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये मैक नंबर है। तो यहाँ तीन कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। मैक नंबर ग्रेटर देन वन हो, मैक नंबर लेस देन वन हो, और मैक नंबर ग्रेटर देन फाइव हो। क्या बोलते हैं, देखिए ग्रेटर देन वन हो तो सुपरसोनिक बोलते हैं, प्रहध्वनिक, लेस देन वन है तो सबसोनिक, इसको शॉक वेव्स, इसको याद रखें, ठीक है। शॉक वेव कहाँ पड़ता है दोस्तों, सबसोनिक में, जिसमें मैक नंबर लेस देन वन होता है, और मैक नंबर ग्रेटर देन फाइव है तो हाइपरसोनिक। तो देखिए सुपरसोनिक में क्या है, ग्रेटर देन वन, हाइपरसोनिक में क्या है, ग्रेटर देन फाइव। तो ध्यान दीजिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए ये टेम्परेचर से रिलेटेड रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। हो सके टेम्परेचर आपको फैरनहाइट में दे देगा, सेल्सियस पूछ देगा, तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सी वाई फाइव एफ माइनस 32 अपॉन 9, ये रिजल्ट याद रखिएगा। हो सके आपको फार्मूला में फैरनहाइट दे दिया, बोलेगा बताइए 40 डिग्री फैरनहाइट है, बताइए, तो आपको बताना है सी में कितना होगा सेल्सियस में। तो सी वाई फाइव ऐसे करके एग्जाम्पल 40 दिया हुआ है, 32 अपॉन 9 से निकाल सकते हैं, ये रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मिरर फार्मूला से क्वेश्चन बन गया, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, मिरर में यहाँ प्लस आता है, लेंस में यहाँ पे माइनस आता है, बस याद, उसी तरह मैग्नीफिकेशन जो होता है माइनस वी वाई होता है, और लेंस में क्या होता है, वी वाई होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक। चलिए देखिए, इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल मतलब आभासी और इरेक्ट होता है, और डिमिनिश छोटा होता है, कन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं। स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, आई का मतलब इंसिडेंट होता है, और रे का मतलब आर का मतलब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग, पूरा यहाँ पे लिख दिए दोस्तों, जैसे प्राइमरी रेम्बो सेकेंडरी रेम्बो। देखिए अभी एग्जाम हुआ था, एनडीए एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। प्राइमरी रेम्बो में क्या बनता है दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष में दो रिफ्रैक्शन बनता है और एक टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये प्राइमरी रेम्बो में। सेकेंडरी रेम्बो में क्या होता है, द्वितीय इंद्रधनुष में दो रिफ्रैक्शन बनता है और दो TIR बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, याद रखिएगा। उसमें दो एक बनता है, इसमें दो दो बनता है। और देखिए प्राइमरी कलर ब्लू ग्रीन है, याद रखिएगा, ठीक है, कौन कौन सा, ब्लू, देखिए ये प्राइमरी, ये ग्रीन ब्लू और रेड, ये कौन सा प्राइमरी कलर है, वो ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है, इसमें येलो भी दे देगा ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए ब्लू ग्रीन रेड ये क्या प्राइमरी कलर है, मतलब प्राथमिक रंग है, येलो नहीं है, येलो क्या सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर मतलब दो कलर, जैसे देखिए रेड को मिला देंगे और ग्रीन को मिला देंगे, ठीक है, और येलो को मिला देंगे तो वाइट बन जाते हैं यहाँ पे, तो येलो हो गया, सियान हो गया, सियान हो गया, मेजेंटा, ये सब सेकेंडरी कलर है, और तीनों को जब मिला देंगे ऐसे करके यहाँ वाइट बन जाता है। तो इतना ध्यान है, बस इतना याद रखना है, ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन रेड ये प्राइमरी कलर, बस इतना याद रखना है। सेकेंडरी कलर एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉर्निया क्या होता है दोस्तों, फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, जो आँख के साथ जो फ्रंट पार्ट ट्रांसपेरेंट, उसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है, कॉर्निया को ही बोलते हैं विंडो ऑफ द आई लाइट। देखिए क्या बोलते हैं, विंडो ऑफ द आई फॉर लाइट, लाइट के लिए विंडो, आँख के लिए विंडो का काम करता है, ठीक है, लाइट जाने के लिए। आइरिस का वो फंक्शन देखे होंगे आप लोग, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज एंड एडजस्टिंग द साइज ऑफ पुपिल्स, ये सब आपको पता होगा। आई लेंस डबल कन्वेक्स लेंस होता है, उसमें डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ये होता है मायोपिया जिसको बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टिकोण, मतलब पास का क्लियरली दिख सकता है लेकिन दूर को नहीं दिखता है, ठीक है। तो कारण क्या है दोस्तों, इन फोकल लेंथ बढ़ जाता है आई बॉल, और देखिए लेंथ ऑफ द आई इंक्रीजेज, लेंथ ऑफ द आई बॉल, आई लेंथ बढ़ जाता है और डिक्रीजेज फोकल ऑफ द आई लेंथ, ये सब देख दीजिएगा। अच्छा, किसी को मायोपिया हो गया तो सही कैसे किया जाता है, कनकेव लेंस यूज करके सही किया जा सकता है, अवतल लेंस यूज करके सही किया जा सकता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ये सब चीज़ है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टिकोण, करेक्ट कन्वेक्स लेंस, और प्रेस बायोपिया बुढ़ापे में होता है, इसको बाईफोकल लेंस से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। टेलीस्कोप से क्वेश्चन आया होता है इस बार, ठीक है, इसमें क्या होता है, टू कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस दो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, आई पीस होता है, लेंथ ऑफ फोकल लेंस जो ऑब्जेक्टिव का होता है वो बड़ा होता है आई पीस से रिलेटेड, ठीक है। प्राइमरी सेल हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया, ये सब देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, ठीक है। चलिए, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल में काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में काम करता है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, देख लीजिएगा आप ये सब, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एग्जांपल पूछेगा। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, ऐसा टेम्परेचर जहाँ से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक बदल जाता है, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। एनसीईआरटी कैथोड रे से रिलेटेड प्रॉपर्टी पूछता है, कैथोड रे क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा।
एक बार देख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। कैनाल रे क्या होता है, एक्सरे क्या होता है, क्योंकि एटम बम्स और एटम बम, देखिए एटम बम देखिए यहाँ सब देखिए एटम बम के बारे में, ये देखिए एटम बम्स और न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम। एटम बम में क्या था, न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, परमाणु विखंडन होता है। इसमें कौन सा मटेरियल, 200 यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ठीक है। दिस बम फर्स्ट यूज बाई यूएसए, एटम बम यूएसए यूज किया था जापान में, पता है कि नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो देखिए 6 अगस्त को हुआ था हिरोशिमा, 1945 में हिरोशिमा, और 9 अगस्त, दोनों डेट याद रखें, 6 अगस्त हिरोशिमा में और 9 अगस्त नागासाकी में, ठीक है, याद रखिएगा। डेट पूछता हूँ आप, 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर जब टाइम हो रहा था ना, उसमें यूएसए ने अमेरिका पे जापान पे हमला किया था, ठीक है। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे नाभिकीय संगलन में यूज किया, मतलब बेस है। हाइड्रोजन बम फर्स्ट टाइम 1952 में यूज किया गया था, ठीक है। और जो देखिए एग्जाम पूछता है, जो सन एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन बम से रिलेटेड, ठीक है। 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन एटम बम, सोच सकते हो। तो हाइड्रोजन बम और एटम बम सबसे पावरफुल कौन होता है, तो हाइड्रोजन बम 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा नोट से, देखिए यहाँ पर सब चीज़ें लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं सेमी कंडक्टर से रिलेटेड एन टाइप पी टाइप, ठीक है, ये सब दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी आपका देखिए आपको फार्मूला भी दे दिए ताकि फार्मूला से दिक्कत ना हो आपका, देख सकते हैं बहुत सारा फार्मूला लिख दिए यहाँ पे, देखिए सब फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है। कितना फार्मूला यहाँ दिखा देते हैं आपको, लगभग आपको लगभग यहाँ आपके कितना है, देखिए आपका 36 फार्मूला आपको फिजिक्स में लिखा दिए, इससे क्वेश्चन को बाहर थोड़ी देगा। इसका मतलब ये है कि इस पीडीएफ को पढ़िए, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सीजीएल में बैठिए, जेपीएससी में बैठिए और कोई भी एग्जाम बैठिए, आपको यहीं से काम आ जाएगा, ठीक है। पूरा पीडीएफ दोस्तों आपको लेना चाहते हैं, हालांकि अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जेएसएससी वाला ऐप आ चुका है, हालांकि इसमें अभी कुछ मिलेगा नहीं, क्वेश्चन डालेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज के रूप में, ठीक है, बनेगा तो पता चल जाएगा। फिलहाल डाउनलोड करके रख लीजिएगा। किसी को पीडीएफ चाहिए दोस्तों पूरा मेटेरियल, पूरा जीके का, स्टैटिक जीके, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, जो एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आ गया उठ के, ठीक है, मैथ का फार्मूला हो, तभी 199 इसका चार्ज है। अभी व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, जिनको लेना होगा तो पे एक स्क्रीन शॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप कर देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। नंबर देख लीजिए 8968765101, ये 5 है, ठीक है। नोट्स लीजिए और पढ़ाई कीजिए चुपचाप, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, एग्जाम में यहीं से आने वाला आपको, ठीक है। 8968765101 यही फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे यही अनिल नाम से आएगा आपका, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ भेज देंगे, पढ़ते रहिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।